नमस्ते बच्चों, आई होप आप क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। मैं क्लास शुरू करूं उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी। देखिए, आप क्लास शुरू से देखा कीजिए, शुरू से अंत तक। वो इसलिए कि मैं टॉपिक्स रिवाइज करा रही हूं, यानी कि हमारा रिवीजन चल रहा है राइटिंग स्किल्स का। और ये राइटिंग स्किल्स जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलाएंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेरे साथ शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए। आपको जो होमवर्क देती हूँ वो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज हम अब क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास काय की चल रही थी, देखिए हम 2 दिन से रिवीजन कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का। किसका? एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, ठीक है। ये हम रिवीजन कर रहे हैं पिछले 2 दिन से। अब क्या होता है कि दो चीज़ों के बारे में हम लिख चुके हैं ऐड। अब आता है हमारे मैट्रिमोनियल सेक्शन ले रहे हैं आज। मैट्रिमोनियल कौन से होते हैं? इनको हिंदी में क्या कहते हैं? वैवाहिकी, यानी कि वर चाहिए, वधू चाहिए, वो वाले। तो इनकी खासियत क्या होती है, देखिए मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देती हूँ। इसमें दूल्हा या दुल्हन की पूरी डिटेल दी जाती है, जिसके लिए हम मैच ढूंढ रहे हैं, और मैच हम कैसा बंदा चाहते हैं वो चीज़ भी हम लिखेंगे। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ और उसी से हम एड डेवलप करेंगे। इमेजिन, क्वेश्चन क्या है? इमेजिन यू आर अंकित। आप कौन हैं? अंकित। यू आर सीकिंग अ सूटेबल मैच मैच फॉर योर एल्डर सिस्टर। किसके लिए ढूंढ रहे हैं? अपनी बड़ी बहन के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट मेंट नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 शब्दों से ज़्यादा सीमा नहीं लेनी है। आपके पास शब्द सीमा कितनी है? 50 शब्द। तो चलिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी एड लिखा जाता है, ब्लॉक में लिखा जाता है और एक हेडिंग दिया जाता है, ठीक है। अभी हम ब्लॉक बना देते हैं। ये हमारा हेडिंग सेक्शन हो गया और अब हम कंप्लीट ब्लॉक बनाते हैं। मैं देखिए, मैं कभी भी ब्लॉक में लास्ट लाइन ड्रॉ नहीं करती हूँ, मैं वो सबसे आखिर में करती हूँ, ठीक है। अभी हमारा हेडिंग क्या रहेगा? मैट्रिमोनियल वांटेड ब्राइडग्रूम। कौन चाहिए? देखिए, दुल्हन तो है हमारे पास, दूल्हा चाहिए, ब्राइड ग्रूम कहते हैं दूल्हे को। अब एक भाई अपनी बहन के लिए दूल्हा ढूंढ रहा है, तो यही लिखेगा कि सीकिंग अ सूटेबल मैच फॉर। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर कास्ट का चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट शो करनी पड़ेगी, और कास्ट नो बार है, किसी भी जाति का चलेगा, तो कास्ट लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर अ ब्यूटिफुल फेयर, मतलब गोरी है, खूबसूरत है, टॉल, कितनी है? 5 फीट 5 इंच। एंड और अच्छी कोई खासियत बता दीजिए, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। इसके अलावा और कुछ खासियत बता दीजिए। अच्छा, हमने एज तो लिखी ही नहीं, तो यहाँ लिख देते हैं 28 ईयर्स, एम्प्लॉय गर्ल, ठीक है, अ सूटेबल मैच। अब आप ये बताइएगा कि कैसे कैसे क्या क्या चाहिए। आप देखिए डिमांड लिख दीजिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सूटेबल मैच में सेंड बायोडाटा विद फोटोग्राफ, सेंड बायोडाटा विद लेटेस्ट फोटोग्राफ फोटोग्राफ टू अंकित, पीओ बॉक्स नंबर, पोस्ट बॉक्स नंबर 3426, जयपुर ईस्ट। देखिए मैं पूरा मन से लिख रही हूँ, जयपुर ईस्ट, ठीक है। कास्ट नो बार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने ऊपर कास्ट मेंशन नहीं की है। अब ये सारी चीज़ें हम हमारे दूल्हे में चाहते हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सूटेबल हो, भाई लड़की लंबी है, गोरी है, फेयर है, एज 28 है, तो इसी के अराउंड का कोई मैच हम ढूंढ रहे हैं। देखिए यहाँ हमारा एड कंप्लीट हुआ, नाउ वी ड्रॉ द कंप्लीशन लाइन। ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया, इट्स आर कंप्लीट एड, ओके जी। अभी आप एक क्वेश्चन कीजिए, अभी हम क्या ढूंढ रहे थे, दुल्हा, अब आप ढूंढिए दुल्हन, ठीक है। तो होमवर्क क्या दे रही हूँ मैं, इमेजिन, देखिए करना है, इमेजिन यू आर सीमा, यू आर सीकिंग अ सूटेबल मैच फॉर योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई के लिए, यंगर ब्रदर, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज पेपर, पेपर वर्ड लिमिट कितनी है, वर्ड लिमिट इज 50 वर्ड्स, यही क्वेश्चन में है आपको। और देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का रहता है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा ढंग से लिखा है तो आपको 4 में से 3 या 3.5 नंबर कहीं नहीं गए। सो प्रैक्टिस प्रॉपरली, ओके बच्चों, थैंक यू।